एक समुंदर में मोती सी चमकने वाली सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम था शीना। शीना को अपने जल महल से बाहर की दुनिया को देखने का बैठा शौक था। वह अक्सर समुद्र की सतह पर आकर दूर दूर तक फैले जहाजों को देखती रहती। एक दिन शीना को समुद्र किनारे रेत पर बैठा एक उदास मछुआरे का लड़का दिखाई दिया। उसका नाम था मोहन। मोहन को उस दिन कोई मछली नहीं मिली थी। शीना को उस पर तरस आया। उसने पास जाकर मोहन को गाना सुनाया। मोहन की आवाज सुनकर शीना को और भी अच्छा लगा। वह हर रोज मोहन को गाना सुनाने लगी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। शीना को मोहन से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे ये भी गम था कि वो इंसान नहीं बन सकती। एक बूढ़ी कछुए ने शीना की ये परेशानी सुन ली। कछुए ने बताया कि समुद्र के बीच में एक जादुई गुफा है, जहां रहने वाली चुड़ैल इंसान बना सकती है, लेकिन उसकी मदद बहुत महंगी है। मोहन से मिलने की चाह में शीना चुड़ैल के पास गई। सीना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हारी आवाज मुझे देना पड़ेगा। चुड़ैल ने उसकी मधुर आवाज के बदले में उसकी मछली की पूंछ ले ली। अब शीना इंसान बनकर मोहन से मिल सकती थी। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। शीना और मोहन साथ में बहुत खुश थे, लेकिन शीना पानी के बिना रह नहीं सकती थी। उसे जल्दी जल्दी समुद्र में लौटना पड़ता था। मोहन को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा शीना उससे दूर भागती है। एक दिन गुस्से में उसने शीना पर शक किया। शीना का दिल टूट गया। वो वापस समुद्र में चली गई और फिर कभी मोहन से नहीं मिली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच कभी अच्छी नहीं होती। शीना ने अपनी खूबसूरत आवाज के लिए अपनी असली पहचान खो दी। वहीं मोहन को बिना समझे शक करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हमें हर किसी पर भरोसा करना चाहिए और किसी से भी जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए।